नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैरामाउंट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अमर, अपन बातें कर रहे थे उद्यान विज्ञान के अंतर्गत। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत बातें कर रहे थे फल उत्पादन, तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जेट, आईसीआर, बीएचयू, कृषि पर्यवेक्षक, ट्रिपी जी, एओ, डबल एओ, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अपने प्रीवियस क्लास में देखते हुए एक एक चीजें अच्छी तरह से, और विद जब भी क्लास अटेंड करें देखें विद पेन कॉपी। आज अपन बातें करेंगे बेर, या इसको बोलते हैं वानस्पति नाम की बात करें, जिजीफस मोरेशाना। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही सकता है, यहाँ से रिलेटेड कोई सा, यानी कि उत्पत्ति स्थान क्या होता है, इसका खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है, इसकी उन्नत किस्में कौन सी होती हैं, इसका प्रमुख कीट कौन सा होता है, प्रमुख बीमारी कौन सी होती है। तो एक एक चीज अपन को स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलना। तो हेडिंग डालना आज बेर, आपको दिख भी रहा होगा बेर, इसके वानस्पतिक नाम नंबर एक बोटेनिकल नेम, क्योंकि एक बार जब भी जो कृषि पर्यवेक्षक 2022-21 का जो एग्जाम था उसमें भी कम से कम तीन तो बोटेनिकल नेम पूछे थे। खजूर का पूछ लिया था और जौ का पूछ लिया था, इसी प्रकार किसी ना किसी रिलेटेड जेट जेट में पूछ ले, किसी में भी पूछ ले। तो इसकी बात करें अपन वानस्पतिक नाम, एक एक चीज आपको लिखनी है। बोटेनिकल नेम कुल का कुल क्या होता है, उत्पत्ति स्थान क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, यह इनको बोले क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं, फल प्रकार क्या होता है, फ्रूटेफ, और खाए जाने वाला भाग, जाने वाला भाग क्या होता है। ठीक है, तो अपन एक एक चीज अच्छी तरह से, वानस्पतिक नाम की बात करें, जिजीफस मोरेशियाना, जिजीफस, जिजीफस मोरेशियाना, वानस्पतिक नाम क्या होता है, जिजीफस मोरेशियाना। कुल की बात करें, कुल होता है इसका रहमनेसी, क्या होता है, रहमनेसी। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बेर की फैमिली क्या होती है या कुल क्या होता है, तो रहमनेसी होता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें, इंडो चाइना, क्या होता है, इंडो चाइना, इंडो चाइना इसका उत्पत्ति स्थान होता है। गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोजोम नंबर की बात करें, 2n बराबर 48, 2n बराबर कितना होता है, 48 या 48 होते हैं। फ्रूट टाइप की बात करें, फ्रूट टाइप या फल प्रकार की बातें करें, अस्टिल क्या होता है, अस्टिल, या इसको बोलते हैं ड्रुप, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, गुठली पाई जाती है, जो भाग होते हैं लघु अलावा फल वृक्ष जिनके अंतर्गत गुठली होती है, या इसको स्टोन बोलते हैं, आम हुआ आम को भी क्या बोलते हैं, स्टोन, या इनका फ्रूट टाइप क्या होता है, अस्टिल या ड्रुप होता। ठीक है, आगे बात समझ में, खाए जाने वाला भाग एडिबल पार्ट की बातें करें तो क्या होता है, बाह्य व मध्य फल भी, बाह्य व मध्य फल भित्ति, तो आपको देखा होगा ये वाला भाग होता है, इसको भी अपन खाने के काम में लेते हैं, क्योंकि तो भाइया होता है ये मिजो वाला मध्य वाला भाग होता है, तो भी अपन क्या आते हैं, खाने काम में ले आता है। इसमें क्या छोड़ी जाती है, जो कि गुठली होती है, तो बेर के अंतर्गत बातें करें, बेर का वानस्पति नाम क्या होता है, जिजीफस मोरेशाना। कुल की बात करें, रेमिनेसी, उत्पत्ति स्थान क्या होता है, इंडो चाइना। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 2n बराबर 48। फल प्रकार है, फ्रूट टाइप की बातें करें, ऑस्ट्रेलिया ड्रुप होता है। खाए जाने वाला भाग क्या होता है, बाह्य व फल मध्य फल वित्तीय होती। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है, यहां से कोई ना कुछ जनरली साधारण तक कुछ ना कुछ पूछ लिया ही जाता है। आगे अपन बात करें, ये बेरी है, बेर के फलों को अगर क्या कह लेते हैं, बेर के फलों का प्रयोग,
चार बना के लिखना, बेर के फलों का प्रयोग बेर के फलों का प्रयोग ताजे फलों के रूप में, अपन ताजे फल के रूप में भी खा सकते हैं, ताजे फलों के रूप में, और सुखाकर की अगर बातें करें, बेर के फलों का प्रयोग ताजे फलों के रूप में सुखाकर छुआरे के रूप में क्या बनता है, छुआरे के रूप में, छुआरे के रूप में लेते हैं, और बातें करें जैम भी बनता है इसका, मुरब्बा भी बनता है, जैम मुरब्बा कैंडी चटनी एवं अचार बनाकर, जैम मुरब्बा कैंडी भी बनती है, चटनी भी बनती है आदि के रूप में लिया जाता है। बेर के फलों में विटामिन सी, स्टार बना के लिखना, बेर के फल में विटामिन सी, बेर के फलों में विटामिन सी कितनी होती है, 150 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम गुदा में, पर 100 ग्राम गुदा में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बेर के फलों में विटामिन सी कितनी होती है, 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, कितनी, 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम गुदा में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसी पोषण मान के कारण से क्या कहा जाता है, इसी पोषण मान के कारण, इसी पोषण मान के कारण, मान के कारण गरीबों का फल कहते हैं, गरीब का फल, गरीब का फल कहते हैं, ये क्या कहते हैं, गरीब का फल कहते हैं, ठीक है। बेर को शुष्क फलों का राजा कहा, ये लिखना, बेर को शुष्क फलों का राजा भी कहा जाता है, शुष्क फलों का राजा भी कहा जाता है, आपको पता है फलों का राजा किसे कहा जाता है, आम कहा जाता है, लेकिन अगर पूछे शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, बेर को कहा जाता है। और इसके अंतर्गत राजस्थान में फलों का राजा भी कौन होता है, बेर ही, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बात समझ में, भारत में आगे चला अपन, एक चीज क्लियर है, विटामिन सी पाई जाती है, इसको गरीब का फल भी कहा जाता है, बेर को शुष्क फलों का राजा भी कहते हैं। आगे अपन बातें करें, बेर का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन, ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ठीक है, कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में होता। आपसे पूछ लिया जाए कि बेर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, एमपी के अंतर्गत यानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। बेर के पौधों पर, बेर के पौधों पर, बेर के पौधों पर लाख के कीट पाले जाते हैं, बेर के पौधों पर कौन से कीट, लाख के कीट पाले जाते हैं, लाख के कीट पाले जाते हैं, जैसे लेकर
जिसे क्या कहते हैं, लेक कल्चर। ठीक है, जिसे क्या कहा, बेर के पौधे पर अगर लाख के कीट पाले जाते हैं तो क्या कहा जाता है, लेक कल्चर कहते हैं। आगे अपन बातें करें जलवायु, हेडिंग डालना आप जलवायु। ये इसको बोलते हैं अपन क्लाइमेट के अंतर्गत बेर कैसा होता है, शुष्क जलवायु को फल वृक्ष होता है। बेर शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु को सफलतापूर्वक आया जाता है। बेर शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता। ठीक है, आपको पता है शुष्क जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से, बेर खजूर और अनार। ठीक है, आगे बात सुन, मृदा की बात करें बलुई दोमट में मृदा कौन सी उपयुक्त रहती है, मृदा बलुई दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब हेडिंग डालना आप, उन्नत किस्में कौन कौन सी होती हैं इसकी, उन्नत किस्में या इंप्रूव्ड वैरायटीज। हेडिंग डालना आप उन्नत किस्में, उन्नत किस्मों के अंतर्गत नंबर एक लिखना अगेती किस्म। अगेती किस्म है जनवरी के पहले सप्ताह फल पक जाते हैं, कौन से में क्या होते हैं, जनवरी के पहले सप्ताह, इन दिनों के अंतर्गत जनवरी के पहले सप्ताह फल पक जाते हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह में फल पक जाते हैं, कौन सी के, अगेती किस्म। कौन कौन सी हैं, गोला कैथली लिखना स्टार, एग्जांपल की बातें करें गोला गोला कैथली सेब, थार सेब का थार बुराज, गोला कैथली सेब, गोला कैथली सेब और सेबिका थार बुबराज, थार सेबिका थार बुबराज, ये स्टार बना के थार सेबिका और थार बुबराज। ये वैरायटी कहां से निकली हुई है, CIAS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर से। थार सेवका और थार बुबराज कहां से निकली है, केंद्रीय शुष्क बागवानी, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, थार सेवका थार बुबराज, ये कौन सी है, अगेती। ठीक है, मध्यम किस्म हेडिंग डालना अगेती, नंबर दो मध्यम। मध्यम के अंतर्गत कौन सी है, जनवरी के अंतिम सप्ताह फल पकते हैं, कब पकते हैं, जनवरी के अंतिम सप्ताह फल पकते हैं, जनवरी के अंतिम सप्ताह में फल पकते हैं। कौन कौन सी होती हैं, मूडिया जोगिया चौमुलोकल मेहरून, कौन कौन सी है, मूडिया जोगिया मूडिया जोगिया और चौमुलोकल मेहरून, चौमू
लोकल मेहरून बनारसी, ये कौन सी मध्यम मध्यम किस्म में होती है? कौन कौन सी? मुंडिया, जोगिया, कमुनोकल, मेहरूम और बनारसी। उन्नत किस्म अगेती की बातें करें, अगेती में होगी गोला, गोला ध्यान रखना बहुत अच्छी वैरायटी है अगेती। मत कैथली सेब, थार सेब का थार बोलो। मध्यम के अंदर मुंडिया, जोगिया, कमुनोकल, मेहरून और बनारसी होती, ठीक है। आगे बात समय, आगे बात करें अपन अगर पछेती किस्म, तार बना के लिखना, पछेती भी बहुत पूछी जाती। कौन सी? पछेती। पछेती किस्म, पछेती किस्म के अंतर्गत बात करें, ये फरवरी मार्च में कब पकती हैं? ये फरवरी मार्च में पकती है, ये फरवरी मार्च में पकती है। एग्जाम्पल की बात है करें, एक एक चीज हर चीज नोट बना के लिखते चलना। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? उमरान, चार बना के लिखना, काफी पूछी जाती है। उमरान से काठा के नाम से जाना, किसके नाम से? काठा के नाम से, किसके नाम से? काठा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का उद्भव हुआ है कहाँ से? TIH, तो कहाँ पर है? राजस्थान से। मैं उद्भव हुआ है को भी कहाँ से? TIH लिखा। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात करें इसमें इलायची, अगली है इलायची। इलायची जो कि कैसी है? बीज रहित। पेड़ की कैसी है? बीज रहित, इसमें सीड नहीं पाया जाता। कैसी है? बीज रहित। तथा कथा, कोमा, पठानी और गोमा की, पठानी और गोमा कीर्ति। ध्यान रखना ये गोमा कीर्ति वाली आपको तीन वेराइटियां मिलेंगी। गोमा कीर्ति इधर देखें, मैं आपको तीनों एक साथ अभी यहाँ पे लिखा दूं क्योंकि फिर आगे आएंगी। गोमा कीर्ति, गोमा कीर्ति, गोमा ऐश्वर्या और गोमा यसी। गोमा यसी गोमा कीर्ति होगी अपनी बेर की, गोमा ऐश्वर्या है आंवला की, इसकी आंवला की, और गोमा यसी है बेल। ठीक है, आगे बात समझ। गोमा कीर्ति वाली कई बार पूछी, गोमा कीर्ति किसकी है? बेर की। गोमा ऐश्वर्य किसकी है? आंवला की। और गोमा यसी किसकी है? बेलपत्र की होती है। ठीक है, आगे बात समझ में, और बात करें इसमें। गोमा कीर्ति कैसी है? नई किस्म है। कैसी है? नई किस्म होती है। ठीक है, तो हम आगे अन्य के अंतर्गत लिख लेते हैं। और चोमू कैसी है? ये अगेती है। भगवाड़ी व नारनौल, ये सारी वैरायटियां किसकी? पेड़ की है। अभी पछेती किस्म कौन कौन सी है? उमरान जो कि राजस्थान में है, इसका उद्भव कहाँ से? CIH बीकानेर से। अगली है इलायची जो कि बीज रहित किस्म है। बाकी कत्ता, पठानी, गोमा कीर्ति, चोमू और बगवाड़ी नारनौल, ये सारी वेराइटियाँ किस्म या बेर की किस्म है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे अपन बात करें बेर का प्रवर्धन या प्रोपगेशन किसके अंदर। हेडिंग डालना आप प्रवर्धन,
प्रवर्धन गैस को बोलते हैं अपन, कौन सी है प्रवर्धन या प्रोपेगेशन, पैर का प्रवर्धन जी डाल के लिखना, पैर का पैर का प्रवर्धन रिंग बडिंग यानी छल्ला का लिखा है, गैस को बोलते अपन रिंग बडिंग, पैर का प्रवर्धन छल्ला कल का है या रिंग बडिंग या टी बडिंग, दूसरा कौन सा होता है या टी कल का है, टी कल का है या इसी को क्या बोलते हैं शील्ड बड, शील्ड कल का है, शील्ड कल का है, ठीक है आगे बात समझ में। अब दोनों के अंतर्गत अपन बातें करें, इधर देखो ये छल्ला का लिखा है, इसमें क्या होता है जैसे कि कोई भी मूल ग्रंथ है उस पर क्या है किसी भी तरह की रिंग बना दी जाती, यहां से छाल हटाई जाती है, ढाई से तीन सेंटीमीटर की, ढाई से तीन सेंटीमीटर की छाल हटा कर वो भी इसी को, इसको क्या बोलते हैं अपन मूल ग्रंथ या रूट स्टॉक, रूट इसमें क्या है एक छल्ला के आकार की रिंग बना जाती है और उसमें इसी प्रकार जो भी शाइन होती है उसमें भी क्या होता है बड उपस्थित होती है और इसके अंतर्गत शादी। और बात करें टी कलकाएं या इसको बोलते हैं सील्ड कलकाएं, इसमें क्या होता है ढाई से तीन लंबवत कटान लगाता है, ढाई से तीन भी इधर भी कट, ठीक है आगे बात समझ में। अब क्या होता है इसको बडिंग नाइफ की सहायता से, इसकी सहायता से बडिंग नाइफ या चाकू की सहायता से छाल को इस तरह से क्या होता है इसमें भी लगा लिया, इसके तरह इसको इसको ढीला कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है ढीला। अब क्या शील्ड कलकाएं जो बड होती है वो किस आकार में होती है, शील्ड आकार में, इस आकार में होती है शील्ड आकार में, इसके अंतर्गत इसको फंसा दिया जाता है और उस पर टेप लगा है। और ध्यान रखा जाता है कि इसकी जो कलिकाएं होती है यहाँ पर यो जो कली निकल रही होती है वह बंद नहीं चाहिए, ठीक है आगे बात समझ में। ठीक है यहाँ से क्या होता है फिर दोनों ही इसके अंतर्गत आराम से नया पौधा रोपण कर लिया जाता है। अब बात करें इसके अंतर उमरान व गोला किस्म के लिए देसी बोरड़ी, अब इसमें मूल ग्रंथ कौन सा लेते हैं अपन, उमरान व गोला किस्मों के, उमरान व जो गोला किस्म है उनके लिए देसी बोरड़ी, देसी बोरड़ी या इसको बोले जिजिफस रोटेंडीफोलिया या जिजिफस रोटेंडीफोलिया जिजिफस रोटेंडीफोलिया का मूल ग्रंथ काम में लेते हैं, ठीक है। बेर में अगर प्रवर्धन की बातें करें तो बेर का प्रवर्धन छल्ला कलकाएं और टी कलकाएं के, ठीक है इस तरह से छल्ला कलकाएं ये हो गया टील कलकाएं, इसके अंतर्गत आपसे बेर पूछ लिया जाए कि जो उमरान होती है और गोला किस्म होती है उनके लिए आपने देखा वो गांव के अंदर वो छोटे छोटे बोर होते हैं देसी बोरड़ी, उसका मूल ग्रंथ या रूट स्टॉक काम में लेते हैं, इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है जिजिफस रोटेंडीफोलिया है, कौन सा जिजिफस रोटेंडीफोलिया, क्या होता है जिजिफस रोटेंडीफोलिया, जिजिफस रोटेंडीफोलिया जिसका वाटर निकलने होता जो कि मूल ग्रंथ की, ठीक है ये था इस बेल का, बेल का प्रवर्धन। आगे बात करें अपन संधाई वाक्रांतन ट्रेनिंग व प्रूनिंग, आगे हेडिंग लिखना संधाई व
साठ साठ या ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, क्या बोलते हैं इसको? ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ठीक है। शुरुआती दिनों के अंतर्गत जिसमें काट छाट करते हैं, उसमें स्ट्रक्चर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग कहा जाता है, जो कि बड़े होने के बाद क्या होता है? प्रूनिंग कहलाती है, काट छाट करती है। इसमें लिखना प्रारंभिक दो या तीन साल पौधों का प्रारंभिक या शुरुआती दिनों में, या प्रारंभिक दो या तीन साल तक, दो या तीन साल तक, प्रारंभिक दो या तीन साल तक पौधों को सशक्त रूप तक पौधों को सशक्त पौधों को सशक्त रूप उचित आकार देने के लिए रूप उचित आकार देने के लिए उचित आकार देने के लिए पौधे के मुख्य तने पर पौधे के मुख्य पौधे के मुख्य तने पर चार से पांच प्रारंभिक शाखाएं हर दिशा में रहने देते, चार से पांच शाखाएं हर दिशा में रहने देते हैं, ठीक है। अरे बात समझ, चार से पांच शाखाएं पौधे के हर दिशा में रहने देते हैं। पेड़ में प्रतिवर्ष क्रंदन कर, ध्यान रखना, पेड़ में प्रतिवर्ष, चार बना के लिखना ये चीजें, बेर में प्रतिवर्ष काट छांट या इसको बोलते हैं प्रूनिंग, बेर में काट प्रतिवर्ष काट छांट या प्रूनिंग करना चाहिए, काट छांट करना चाहिए, क्योंकि इसकी पत्तियों के कक्षकली से ही नए प्रौढ़ निकलते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों या कलियों, नई कलियों, पत्तियों या नई कलियों से, नई कलियों से नए प्रौढ़ निकलते हैं, पत्तियों पर से नए प्रारोहो निकलते, कौन नए प्रारोह निकलते हैं, उन्हीं पर फूल व फल लगते, उन्हीं पर क्या होते हैं, फूल व फल लगते, उन्हीं पर क्या होते हैं, फूल तथा फल। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा फल वृक्ष है जिसमें अति आवश्यक है, काट छांट अति आवश्यक होती है, वह किसकी होती है, क्योंकि इन्हीं पर जो नए शाखाएं होती है, नए प्रौढ़ होते हैं, उन्हीं पर ही नए फल या फूल अधिक से अधिक लगते हैं। अब बात करें इसके समय की, तो समय कितना कब होना चाहिए इसके लिए, चार बना के लिखना, ये भी कई बार पूछा हुआ है, मई में गर्मी प्रारंभ होने पर, गर्मी प्रारंभ, मई में गर्मी प्रारंभ होने पर पौधे सुसुप्त अवस्था में प्रवेश कर जाते, मई में गर्मी प्रारंभ होने पर पौधे सुसुप्त अवस्था प्रवेश कर जाते हैं,
सुप्तावस्था में प्रवेश कर जाते हैं तथा उनकी कटाई छटाई तब इनकी कटाई छटाई इनकी कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग प्रूनिंग 15 अप्रैल से 15 मई तक करनी चाहिए। 15 अप्रैल से 15 मई तक करनी। कई कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाता है मध्य अप्रैल से मध्य मई, मध्य अप्रैल से मध्य मई तक, मध्य अप्रैल से मध्य मई तक क्या करने काट छाट या ठीक है। आगे बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन या पौध संरक्षण। प्लांट प्रोटेक्शन या पौध संरक्षण की बातें करें, हेडिंग डालना पौध संरक्षण। पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन इसके अंतर्गत सबसे पहले लिखें कीट, कीट या इंसेक्ट की बातें करें, इंसेक्ट कौन सा होता है? नंबर एक फल मक्खी। बेर का प्रमुख कीट कौन सा होता है? फल मक्खी, या इसको बोले फ्रूट फ्लाई। साइंटिफिक नेम की बातें करें, कार्पोमिया वेश्युवियाना। क्या होता है? कार्पोमिया वेश्युवियाना होता। का साइंटिफिक नेम होता बेर में प्रमुख कीट कौन सा होता है? फल मक्खी होती है। तो साइंटिफिक नेम क्या होता है? कार्पोमिया वेश्युवियाना इसका प्रमुख कीट माना जाता है, या कार्पोमिया वेश्युवियाना इसका साइंटिफिक नेम होता है। यह बेर का प्रमुख कीट है, कैसा कीट है? यह बेर का बेर का प्रमुख कीट होता है। डोडिया किस्म फल मक्खी रोधी के है, इसके लिए कौन सी है? डोडिया। डोडिया जो किस्म है वह कैसी है? फल मक्खी रोधी किस्म। किस्म कैसी है? फल मक्खी रोधी किस्म। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए बात है करें मेलाथियान। नियंत्रण करते हैं अपन मेलाथियान। क्या लिया जाता है? मेलाथियान लेते हैं। इसके नियंत्रण की बातें करें मेलाथियान 0.5% का, इतना 0.5% का छिड़काव करें। ओके, 0.5% का छिड़काव करना। ठीक है, कितने का? 0.5% का छिड़काव करना। ठीक है, यहाँ तक अब बातें करें इसके अंतर्गत कीट हो गया। अगले अपन बातें करें इसकी व्याधियों की। बीमारियां कौन सी? व्याधियां या डिजीज की बातें करें तो नंबर एक है छाछ, या इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड। कौन सी? छाछा रोग या पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, तो
कौन सी होती है? अच्छा रोग या पाउडरी मिल्डी होती है। इसका ओजल ऑर्गेनिज्म होता है ओडियम। ओडियम एरिसाइफाइड्स स्पीसीज। ओडियम एरिसाइफाइड ओडियम एरिसाइफाइड्स फॉर्मा स्पीसीज। इसका ये होता है ओजल ऑर्गेनिज्म। नियंत्रण के लिए बातें करें केराथेन। नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केराथेन 0.1% करते हैं, 0.1% घोल का छिड़काव करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। आगे अगली बीमारी की बात करें अल्टरनेरिया। अगली है अल्टरनेरिया फर्सलन। अल्टरनेरिया फल अल्टरनेरिया फल सड़न या इसको बोलते हैं अल्टरनेरिया स्पी। अल्टरनेरिया स्पी होती इसमें लिखना फलों में फलव्रंथ के निकट फलों में फलव्रंथ के निकट गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते। फल के पास में निकट गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते। धब्बे दिखाई दे कैसे? गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त फल शीघ्र ही टूट कर गिर रोगग्रसित फल शीघ्र ही रोगग्रसित फल शीघ्र ही टूट कर गिर जाते हैं। शीघ्र ही टूट कर गिर जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं? गिर जाते। इसके नियंत्रण के लिए बात है नियंत्रण डायथेन एम पैंतालीस। डायथेन एम पैंतालीस नामक कवक कवकनाशी कितना 0.2% डायथेन एम पैंतालीस कवकनाशी 0.2% घोल का छिड़काव 0.2% घोल का छिड़काव छिड़काव लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण दिखाई देते ही कर देना। ये थे अपने इसके अंदर बेर के अंतर्गत। बेर के अंतर्गत अपने एक एक चीज है। अल्टरनेरिया हो गया, आगे बात करें इसका छच्छिया रोग हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, इसके द्वारा इसकी नियंत्रण हो चुका है। इसका कीट कौन सा है? फल मक्खी या इसको बोलते हैं अपन रूट फ्लाई। क्या कहते हैं इसको? रूट फ्लाई या ये प्रमुख। ये भी कई बार कुछ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा हुआ है। कृषि पर्यवेक्षक 2015 में बेर का प्रमुख फल मक्खी है या फल मक्खी किसका प्रमुख कीट है? तो किसका है? बेर। ठीक है, कार्पोमिया वैसे भी आना। ठीक है, आगे बात करें इसके अंतर्गत अपने प्रूनिंग की बातें कर ली थी। सदाई में कदाई पदार में 2-3 साल वर्षों में और 4-5 शाखा छोड़कर बाकी स्ट्रक्चर बन जाती है। बाकी इसमें प्रतिवर्ष हर वर्ष का ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि इसकी पत्तियों कलियों के नए प्ररोह निकलते उन्हीं पर फूल तथा फल लगते। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य अप्रैल से मध्य मई तक या 15 अप्रैल से तक
प्रूनिंग की या काट छाट कर, ये कई बार पूछा, ठीक है। आगे बात समझ में होगी, ट्रेनिंग प्रूनिंग जब प्रवर्धन हो गया टीकल का या छल्ला कल का, ठीक है। इसकी वेराइटियां कौन कौन सी हैं, पछेती की बात करें, उमरान, इलायची, कत्था, पठानी, भूमाकृति, ये सब किसकी है, जी की वेराइटी, ठीक है। ये अगेती किस्म होगी, मध्यम किस्म होगी, और इसका कहाँ कहाँ होता है अपन एक एक चीज तरह से, ठीक है। ये था अपना बेर आज के, नहीं काफी है बेर पूरा कंप्लीट, आगे मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में अगले उसके टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक बने रहे आप, पढ़ते रहें, बेस्ट ऑफ लक हर चीज के लिए आपको, ठीक है। ओके, धन्यवाद।